अभी तक इसके पहले हम बता दूं, इसके पहले जो भी हमने दृश्य दिखाया है राम गिरीश राय पीजी कॉलेज साइंस एग्जीबिशन के दौरान, जो भी मॉडल आपके सामने जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने जो मॉडल दिखाया है, शो किया है, पब्लिक को दिखाया, खास करके जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स थे और ख़ास करके इंटर साइंस वर्ग से, तो इन्होंने ज़रूर कुछ सीखा है और मैंने उनकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया है कि ये क्रिएटिविटी जो सीखा है उनके अंदर एक जुनून आशा आया है कि हम भी इस विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे जाएंगे और ऐसे ही काम करेंगे। तो वास्तव में विद्यालय महाविद्यालय राम गिरीश राय पीजी कॉलेज ने ये एक इतिहास रचा है और इन बच्चों के अंदर, बच्चों के पीछे जो सपोर्टिंग पावर था यहाँ के, खास करके साइंस ग्रुप के टीचर्स ने, जो जैसा कि साइंस वर्ग के शिक्षक ने बताया कि 8 दिनों से हम लोगों की स्कीम चल रही थी, तैयारी चल रही थी, और वास्तव में कोई अचानक काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, शो करना अचानक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें समय लगा है। और सबसे बड़ी बात है इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी जो पीछे से लगे हुए थे ताकि बेहतर कार्य हो और आने वाला स्टूडेंट जो भी आता है देखने के लिए यहाँ से कुछ सीखे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है यूज करें, क्योंकि आज के समय में जैसे मान लीजिए रेन हार्वेस्टिंग हो गया, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गया और तमाम तरह के जो है पेस्टिसाइड साइकिल हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, हार्ट मॉडल हो गया, तो कैसे हम सुरक्षित रहें और अपने समाज को कैसे सुरक्षित रखें, तो इसे अपने मॉडल के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। इस विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सभी का एक बार नज़दीक से आप लोग दिखा दीजिए, आप उधर चलते जाइए धीरे धीरे। तो जैसा कि देख रहे हैं सभी को, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही वो होनहार चेहरा है और यही जो हमारे समाज के रचयिता हैं, जैसा कि पीछे जो खड़े हुए हैं, इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर और इन बच्चों के माध्यम से ये मॉडल दिखाने का प्रयास किया है, और जितना तारीफ मैं करूं उतना कम है, क्योंकि समाज के विकास के लिए, देश के योगदान के लिए शिक्षक का अहम योगदान होता है, और शिक्षक के सामने ही जब उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यह मॉडल और यह नॉलेज हमारे आने वाली जनरेशन को आगे हम फॉरवर्ड करते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए किसी प्रकार की कष्ट न हो। वास्तव में इस मॉडल के माध्यम से जागरूकता लोगों में फैलेगी और जो लोग अनभिज्ञ हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, वातावरण को लेकर के, जरूर उनके अंदर अपने व्यवहारिक जीवन में पालन करेंगे। और मैं आप लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा कि देखिए, जानकारी की चीज़ें हैं, ये सभी से हित से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, फॉरवर्ड करें। अच्छा वीडियो फॉरवर्ड नहीं करते हैं और कुछ ऐसे वीडियो लोग फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर फॉरवर्ड करते हैं तो आप भी एक देश के लिए अच्छा योगदान करते हैं। अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम अभी और आगे लाने वाले हैं, आप लोग जरूर आनंद उठाइए और उनसे सीखिए। सभी लोग एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय।